आज बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत की जाएगी, इसके अलावा कोरोना को लेकर संजीदगी बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पंजाब की कोरोना रिपोर्ट। आपको बता दें, पंजाब में कोरोना के कुल 3,371 केस सामने आए। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए तो 838 है। अब तक 2,461 कोरोना पेशेंट ठीक भी हुए हैं और कोरोना से पंजाब में अब तक 72 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की कोरोना रिपोर्ट के साथ जुड़ी हुई। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केस 838 है। पंजाब में कोरोना के कुल केस 3,371 है। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केस 868 है। बता दें कि बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया गया, उसमें पंजाब की तारीफ की गई थी। पंजाब की तरफ से जो हाउस टू हाउस जो एक मुहिम का आगाज किया गया या फिर तमाम जो उपराले किए जा रहे हैं उसकी शलाघा, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तारीफ की, शाबाशी दी पंजाब को और सूबों को भी पंजाब के इन तमाम उठाए गए कदमों से सेध लेने की सलाह दी गई थी। लेकिन कोरोना अपडेट की बात की जाए पंजाब की, तो अभी जो है चिंताजनक आंकड़े जो है सामने आए हैं। 72 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्टिव 838 केस हैं, 3,371 केस है कुल मिलाकर पंजाब में। और अब बात करेंगे हरियाणा की कोरोना अपडेट की। तो हरियाणा में कोरोना के जो मामले लगातार बढ़े हैं, मंगलवार को हरियाणा में 550 नए केस सामने आए, जिसके बाद अब हरियाणा में कोरोना के कुल केस 8,272 हुए हैं। यानी कि पंजाब के आंकड़ों में बात की जाए या फिर हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कहीं ज्यादा आंकड़े सामने आए, कहीं ज्यादा जो पेशेंट यहां पर हैं। एक्टिव पेशेंट्स की बात की जाए तो संख्या 4,406 है। हालांकि अब तक 3,748 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना से 118 लोगों की जान जाने की खबर है। यानी कि पंजाब में स्थिति बाकी सूबों के मुकाबले बेहतर है। हरियाणा में आंकड़े और भी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी संवाद करेंगे। पंजाब और हरियाणा के बाद अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। कोरोना अपडेट की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना के खिलाफ किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाए इसको लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। हिमाचल में के अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो हिमाचल में कोरोना में एक्टिव केस 184 हैं। हिमाचल में अब तक 356 मरीज ठीक हो चुके हैं। 6 मरीजों की मौत होने की खबर सामने आई है। 184 एक्टिव केस हैं यहां पर। 559 केस जो हैं कुल मिला के 559 केस हिमाचल में है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, नीतिका महेश्वरी पंजाब की कोरोना अपडेट पर जानकारी देंगे। और शिमला से हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, शिमला की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीते जो दिनों में आंकड़े सामने आए थे उसमें कुछ राहत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है, गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हैं यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके अभी थम नहीं रहे मामले। बिल्कुल, देखिए ये राहत भरी खबर तो नहीं कह सकते हम इसको फिलहाल, अगर शिमला की बात कर लें, पहाड़ों की रानी की बात कर लें, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जब लॉकडाउन रहा उस दौरान जो है शिमला में अगर स्थानीय बात कर ली जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला नहीं आया। लेकिन जैसे ही इजाजत मिली बाहरी राज्यों से, हिमाचल प्रदेश की एंट्री खुल गई, उसके बाद अनलॉक वन के दौरान इतने मामले सामने आ गए, लगातार बैक टू बैक जो है वो मामले सामने आए हैं। होम क्वारंटीन हालांकि कई लोगों को किया गया, लेकिन
कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी चूक प्रशासन की तरफ से रही है कि प्रॉपर चेक नहीं हुआ या टेस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं हुए, जिसकी वजह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जो एक वाक्य जो है बहुत ही अभी हैरान कर देने वाला है, जो अभी ताजा एक बात हुई, जिसमें एक दिल्ली से एक ट्रक ड्राइवर पुलिस की एक गुमटी लेकर आया, गुमटी उसके ऊपर गिर जाती है और उसके बाद वो पॉजिटिव आता है, उसकी मौत हो जाती है, गुमटी गिरने की वजह से मौत होती है हालांकि, लेकिन उसका टेस्ट कर लिया गया तो उसे अस्पताल जो लेकर गए जो 5 लोग थे उनको भी बाद में फिर उनकी भी टेस्ट की गई। तो इस तरह से लगातार संपर्क जो है वो संपर्क में आने से मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी वस्तुस्थिति जो है वो सही नहीं है, आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, 550 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है और अभी फिलहाल क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये पीक समय है और ऐसे में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि चंबा का वो मृत था जो कि बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इसके अलावा सोलन से भी खबरें थी कि एक साथ 19 केस सामने आए, तो स्थिति जो है बेहद चिंताजनक अभी बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो संवाद हुआ, उस संवाद में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए अब राज्य पे जो है वो छोड़ दिया गया है और ये जो है वो कहा जा रहा है कि हालांकि यहाँ पर राहत जो है पहले दी गई थी और कहें कि हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ साथ जो है जिसने कर्फ्यू लागू कर दिया था राज्य में, काफी एहतियात बरती गई थी उस समय भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लगातार जो है करीब 4 बार बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उसके बाद रोजाना मुख्यमंत्री भी तमाम जो जिलाधीश हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लॉकडाउन खत्म किया गया उसके बाद डीसी पर यानी डिप्टी कमिश्नर्स पर छोड़ दिया गया कि वो अपने जिले में स्थिति को देख करके जो है आगे तो अब क्या किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, घर घर जाकर जो है टेस्ट किए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो होम क्वारंटीन है जो जिनको ज्यादा दी गई थी तो ऐसे लोगों की लिस्ट जो है वो प्रशासन तैयार कर चुका है और ऐसे लोग जो बाहरी राज्यों से आए हैं उनके टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में और खासतौर पर राजधानी शिमला में। और अब क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है प्रशासन भी, तो घर घर जाकर के टेस्ट प्रक्रिया जो है वो शुरू कर ली गई है, लेकिन अभी जो होम क्वारंटीन था उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में वापस बदलने की कवायद वो भी शुरू हो चुकी है क्योंकि लोग जो है एहतियात नहीं बरत रहे हैं, जो होम क्वारंटीन भी थे ऐसे भी मामले सामने आए हैं, लगातार शिकायतें आई हैं, उसको देखते हैं प्रशासन अब और ज्यादा सख्त कदम उठा रहा है। बिल्कुल, सरकार जो है या प्रशासन कह लीजिए कि इस योजना पर काम कर रहा है। हमारे साथ नीतिका भी जुड़ी है। नीतिका, अगर मामलों की बात की जाए तो हरियाणा में हालांकि बेहद टेंशन वाली बात है कि बहुत ज्यादा केस एक्टिव भी हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट हरियाणा में है, लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो घर घर टेस्टिंग की प्रक्रिया या फिर ऐसा जो उपराला किया गया है, इसकी तारीफ तो नरेंद्र मोदी ने भी की और बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी बोला गया कि ऐसे ही काम किया जाए, ग्राउंड पे जाके काम किया जाए, और पंजाब सरकार को शाबाशी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, एक बड़ी बात है। लेकिन जो आंकड़े अगर सामने आए हैं वो चिंताजनक भी बने हुए हैं। घर घर जाने की योजना पे काम तो हो रहा है लेकिन आंकड़े जो चिंताजनक बने हुए हैं इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल गगन, अगर देखा जाए तो हर रोज नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखना अहम रह जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजों पर रिलैक्सेशन दे दी गई है, यानी कि छूट देने के बाद अब लोगों को और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। लेकिन अगर कल की ही बात करें, 127 नए मामले गगन आए हैं, उसमें से 17 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से लोग पंजाब में आए हैं, उसके बाद जो उनके संपर्क में लोग आ रहे हैं उसकी वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं। क्योंकि अगर कल की बात करें उसमें जो 17 लोगों की बात मैं कर रही हूँ उनमें से कई न्यू दिल्ली से आए हैं और कई लोग जो है वो यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, यानी कि वो बाहर से कोरोना जो है वो पंजाब लेकर आ रहे हैं। यही कारण है, बार बार मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जो लोग भी अपनी स्टेट से किसी भी शख्स दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं उनका टेस्ट करवा के भेजें, उनको सर्टिफिकेट देके भेजें, ये नेगेटिव है। क्योंकि अभी लगातार जो मामले आ रहे हैं वो ना सिर्फ अपनी स्टेट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो ट्रेवलर्स हैं वो ही कैरियर्स हैं, बल्कि आपको बता दें कि लगातार मामले बढ़ तो रहे हैं क्योंकि छूट दी गई है, लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आ रहे हैं। अब अगर चंडीगढ़ की बात करें 368 केस हो गए हैं, 7 एक्टिव केस हैं, सुबह सुबह 3 केस और नए आए हैं। देखिए
सबसे बड़ी बात है कंट्रोल जहाँ कोरोना करना है वो है जो छोटी जगहें हैं जहाँ पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ज्यादा जगह जब भी ऐसा होता है कि ज्यादा लोग एक जगह पर रहते हो तो वहां पर एक्सपोज होने का डर जो है वो ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर चंडीगढ़ की भी बात करें गगन, तो राम दरबार हो गया, वहां पे एक केस ऐसे आया कि डेरा बस्ती में जो शख्स काम करने जाता था यानी कि पंजाब में, उसके संपर्क में जो लोग आए वो भी पॉजिटिव हो गए। इसी तरह से अगर बात करें अब चंडीगढ़ के 25 सेक्टर से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि पंजाब चंडीगढ़ हो या हरियाणा हो, हर जगह पे ये देखना होगा कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर लोगों को ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि शहरी इलाकों की बात करें या फिर जो सेक्टर्स में लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं होम क्वारंटीन किया जा सकता है, लेकिन जो लोग कॉलोनीज में रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या जिनके छोटे घर हैं, जैसे हम बापूधाम की तस्वीर जो है चंडीगढ़ में देख चुके हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल करना काफी ज्यादा अहम है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ में मामले कंट्रोल में है, लेकिन हरियाणा की स्थिति जरूर गगन गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल नितिका, फिलहाल तक की जानकारी के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंटेनमेंट जोन में भी जो है लोग भीड़ जमाते हुए नजर आते हैं, ये एक बड़ा जो है ड्रॉबैक इसको कहा जा सकता है। लोगों को समझना होगा कि अभी लॉकडाउन में ढील जरूर दी गई है, अनलॉक वन जरूर चल रहा है, लेकिन आपको अभी एहतियात बरतनी होगी, अभी घरों में ही रहना होगा। और सरकार या फिर प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले जो लोग हैं, जो गलियों में घूमते हुए नज़र आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो उनके लिए भी कोई बंदोबस्त किए जाएं ताकि दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए उनको ऐसे जो है ना भटकना पड़े। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, देश के आंकड़ों की बात की जाए, अब तक सबसे ज़्यादा मौतें सामने आई 24 घंटे में कोरोना से, 2003 लोगों ने जान गंवाई, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, 2003 लोगों ने जान गंवाई है पूरे देश में, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा। भारत में पिछले 24 घंटे में 10,974 नए केस सामने आए, बड़ी बात है ये, 24 घंटे में 10,974 केसों का सामने आना। कई तरह के सवाल है कि अगर इतनी ज्यादा सख्ती है, सख्ती के दरमियान ढील भी दी गई, लोग पूरा सहयोग करने की खबरें भी सामने आई हैं, लोग नियमों का पालन भी करते हैं, तो आखिरकार ये मामले कैसे बढ़े? कम्युनिटी स्प्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है, और देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या की भी बात की जाए तो 3,54,065 तक पहुंच चुका है आंकड़ा। देश में 1,55,227 एक्टिव केस हैं।